और अब बात करते हैं मऊगंज की, जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। नगर के 15 वार्ड के प्रत्याशियों के साथ मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज थाने में पहुंचकर धरना दे रहे हैं। मामला शराब कारोबारियों और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट का है, जिसमें रायपुर करचुलियान और लौर थाने में पकड़ी गई शराब के मामले में फरार चल रहे आरोपी के बचाव में विधायक प्रदीप पटेल उतर चुके हैं। पूरा मामला 27 तारीख की रात 10 बजे का है, जहां चाक मोड़ स्थित शराब की दुकान में शराब कारोबारियों के द्वारा शराब को लोड करने के दौरान कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद के दौरान जमकर मारपीट हो गई, जहां पर शराब दुकान के वाहन को भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना की शिकायत शराब की दुकान के संचालक के द्वारा की गई, जिसमें करीब आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मऊगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं इस मारपीट में केवट परिवार के कुछ लोग जख्मी हो गए, जो इलाज के लिए रीवा चले गए थे, जिन्हें आज मऊगंज विधायक थाने लेकर पहुंच गए और शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मऊगंज थाने प्रभारी के कक्ष में धरने पर बैठ गए हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वार्ड क्रमांक 2 और 3 में मऊगंज के विधायक भाजपा प्रत्याशियों की हालत पतली है और इस वजह से केवट समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए ये राजनीतिक प्रोपेगंडा रचा जा रहा है। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। फिर कहा लगा दे गाड़ी को, विधायक जी आए प्रदीप पटेल जी। हम अमर बने माता जाने।